हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट फोर आयनिक एक्विलिब्रियम के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। और इन 25 क्वेश्चन में मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो इस साल दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, विशेष तौर पर इन्हीं क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चलिए साहब, मैं स्टार्ट करवा दूँ यूनिट फोर। और यूनिट फोर का नाम क्या है हमारा भैया? यूनिट फोर का नाम याद कर लो ठीक से, कुछ नहीं है, बच्चों वाला नाम है। यूनिट फोर आयोनिक एक्विलिब्रियम। ठीक है, आयोनिक एक्विलिब्रियम। ओके सर, एक्विलिब्रियम। ओके ओके सर, ठीक है, छोटा सा नाम है बच्चों वाला और आराम से इसको याद भी कर लोगे आप। ठीक है, आयोनिक एक्विलिब्रियम। देखिए, सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आपने पढ़ा होगा हेंडरसन हेजल, ठीक है, हेंडरसन हेजल समीकरण के बीच संबंध व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन में दूंगा और बताना है आपको कौन सा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, देखो ये पेपर में आता है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेंडरसन, ठीक है, हेंडरसन हेजल, ठीक है, हेंडरसन हेजल समीकरण, ठीक है, हेंडरसन हेजल समीकरण के बीच, ओके ओके, के बीच संबंध व्यक्त किया जाता है, के बीच संबंध व्यक्त किया जाता है। ओके ओके ओके, व्यक्त किया जाता है, बताइए जरा, व्यक्त किया जाता है, जरा बताइए बेटे। पहला नंबर जो है मेरे पास, यानी कि इसका मैं ए नंबर ले लूं, तो क्या हेंडरसन हेजल समीकरण पीएच तथा पीओएच के बीच संबंध बताती है? ठीक है, ओके ओके, इसका मैं बी नंबर लूं, क्या पीएच तथा पी के ए के बीच संबंध बताती है? अच्छा, देखते हैं अभी, क्या पी ओ एच तथा पी के ए के बीच संबंध बताती है? सी नंबर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी राइट आंसर बताओ बेटे, इनमें से कोई नहीं। देखो ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, ये पिछले साल पेपर में आ चुका, कुछ इस तरह से घुमा के पूछा, मतलब इसी साल पेपर में आ चुका। तो हेंडरसन हेजल समीकरण के बीच संबंध व्यक्त किया जाता है पीएच तथा पीओएस द्वारा, पीएच तथा पीके द्वारा, पीओएस तथा पीके द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ राइट आंसर कौन सा होगा। तो हेंडरसन हेजल समीकरण जिसको याद है वो तो समझ जाएंगे, ठीक है, जिसको याद नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। चलिए साहब, इसका राइट ऑप्शन जो है मेरे पास वो ए नंबर है। ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन होती है पीएच प्लस पीओएच आर इक्वल टू पीके डब्ल्यू। ठीक है, आयनिक गुणनफल होता है के डब्ल्यू, तो मैं इस इक्वेशन को भी लिखवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर टू हमारा था, जरा लाइन पर ध्यान देना, सही संबंध है, सही संबंध है। ओके सर, सही संबंध है, बताना है आपका कौन सा संबंध सही होगा। तो इसका ए नंबर जो मैं ले रहा हूँ वो लिया है मैंने पीएच बराबर पीओएच प्लस पीकेडब्ल्यू। ठीक है, इसका मैं बी नंबर ले रहा हूँ मेरे दोस्त, पीएच बराबर पीओएच। ठीक है सर, इसका जो मैं बी नंबर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं पीओएच बराबर पीकेडब्ल्यू। और इसका सी नंबर ले रहा हूँ मैं पी एच माइनस पी एच प्लस पी ओ एच बराबर पी के डब्ल्यू। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा, जल्दी बताइए बेटा इसका राइट आंसर कौन सा है, जल्दी बताओ, सोच लो एक बार। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये वाला तो आ चुका है, लेकिन इस बार कन्फर्म क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है आपको, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप देख के जाना। असल में ना आप लोग ट्वेल्थ क्लास का पढ़ लेते हो, क्योंकि आपके पास हेंडरसन जो मेरे पास ये आयनिक एक्विलिब्रियम में ट्वेल्थ क्लास में भी है, तो अधिकांश बच्चे उसका पढ़ के जाते हैं, लेकिन रियलिटी बताऊं तो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ बीएससी वाले क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो सही संबंध है, जल्दी बताओ बेटे कौन सा राइट आंसर है इसका, पीएच बराबर पीओएच प्लस पीकेडब्ल्यू। अधिकांश बच्चों को ये लग रहा होगा पर राइट आंसर कौन सा है मेरे पास, पीएच प्लस पीओएच बराबर पीकेडब्ल्यू, यही क्या है मेरे पास, हेंडरसन हेजल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए साहब मैं आगे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू के बारे में बात हो गई है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा अजीब और गरीब क्वेश्चन है, पता कैसा क्वेश्चन है कि पीएच तथा पीओएच का योग है कितना होता है बेटे, बदल बता दो इसी तरह, पीएच तथा पीओएच का योग होता है, का योग होता है, जल्दी बताओ बेटे का योग होता है। अब आप सोच रहे होगे यार योग क्या होता है, इन दोनों का योग कितना होता है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको जीरो होता है, सेकेंड ऑप्शन एक दे रहा हूँ, और मेरे पास सी ऑप्शन जो है मेरे दोस्त सात दे रहा हूँ, और जो डी ऑप्शन है मेरे पास वो मैं दे रहा हूँ तुम्हें 14। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पीएच तथा पीओएच का योग होता है,
पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है, जल्दी बताओ देख के, जल्दी फास्टली एक बार दिमाग लगा लो, सोच लो कि पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है भैया आपको, जल्दी बताओ, सोचो जरा। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा, देखो ना पढ़ा होगा तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन पढ़ा होगा तो रियलिटी में पता होगा। देखो ये तो आपने 10th क्लास 12th क्लास में सब में पढ़ा, पीएच मान, पीएच वैल्यू तो सब में पढ़ी है, सबकी वैल्यू आपको निकालने भी आती है। तो पीएच प्लस पीओएच इन दोनों का योग कितना होता है, 7 होता है, नहीं होता है, कितना होता है, 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, अगर आपसे पूछे सही संबंध है, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है, ध्यान देना, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। अगर आपको पीएच की वैल्यू पता है तो आप पीओएच का मान निकाल सकते हो, अगर पीओएच की वैल्यू पता है तो आप पीएच का मान निकाल सकते हो। तो पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है मेरे पास, 14 होता है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को दिमाग में फांस लो, रट लो, समझ लो ठीक से, ओके, समझ गए, समझ गए पक्का, सोच लिया होगा। चलिए सब आया क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास आता है। अगर मैं बफर सॉल्यूशन में पहुंचूं तो पता है ना आपको बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर उनके पीएच में कोई चेंज नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बफर सॉल्यूशन को पतला करूं, तनु करूं, ध्यान देना बेटे, बफर सॉल्यूशन को, लाइन पे ध्यान देना, बफर सॉल्यूशन, ओके सर, बफर सॉल्यूशन को तनु करने पर पीएच मान जो होता है, पीएच मान पहला नंबर है इसका ए नंबर है बेटे, बढ़ता है, सी नंबर है इसका घटता है, ठीक है, और डी नंबर जो है, अरे यार अबे बी नंबर ना आगा भैया, क्या कर रहा है यार, ए बी फिर मेरे पास सी आता है, स्थिर रहता है, मतलब ए परिवर्तित रहता है, स्थिर रहता है, और मेरे लाल डी नंबर है, इन डी नंबर है, स्थिर रहता है, डी नंबर है ए तथा बी, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, बताओ जरा राइट आंसर कौन सा लग रहा है आप लोगों को। भैया मुझे पता नहीं है इसका राइट आंसर कौन सा है, मेरे पास 14 क्वेश्चन चल रहा है, पर घबराओ मत, इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है, मैं समझा समझा कर पढ़ा रहा हूँ आपको यही क्वेश्चन। जल्दी बताओ बेटा, बफर सॉल्यूशन को जब तनु करोगे आप तो पीएच का मान कितना होगा, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, कोई चेंज नहीं होता, यानी कि पीएच मान में कोई चेंज नहीं होता। अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर बफर सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, ध्यान देना, तो बफर सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब है हमारा राइट आंसर कौन सा है, स्थिर रहता है, ठीक है, पीएच मान स्थिर रहता है, पतला करो गाढ़ा करो बफर सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए तो बोला गया इसको बफर। चलिए साहब देखते हैं, प्रतिरोध, बफर सॉल्यूशन को ना हम प्रतिरोधक बिलियन भी कहते हैं, प्रतिरोधक बिलियन, ध्यान देना, प्रतिरोधक बिलियन ही बोलते हैं इसको हम, बफर सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया 5, क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ठीक है, निम्न में से बफर सॉल्यूशन है, निम्न में से प्रतिरोधक बिलियन है, प्रतिरोधक मतलब बफर सॉल्यूशन को हम प्रतिरोधक बिलियन भी कहते हैं, प्रतिरोधक बिलियन है, जल्दी बताओ बेटे, निम्न में से प्रतिरोधक बिलियन है, ओके 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 सर, पहला नंबर दे दो आप, पहला नंबर दे दें, सी एच थ्री सी डबल ओ एच, एसिटिक एसिड ले लिया मैंने, सी एच थ्री और सी डबल ओ एन, ठीक है, बी नंबर में ले रहा हूँ इसका कंसनट्रेट एच एन ओ थ्री प्लस एन ए ओ एच, अबे यार बी नंबर यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा, इस बी नंबर को इरेज करके ना बी नंबर यहाँ ले लो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो एच एन ओ थ्री प्लस एस सी एल, ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास सी नंबर आगा मेरे दोस्त, वो आ जाएगा एच टू एस ओ फोर प्लस वाटर, ठीक है, और डी नंबर ले रहा हूँ मैं एस सी एल प्लस एच टू एस ओ फोर। जल्दी बताओ बेटे कौन सा बफर सॉल्यूशन है हमारा, जो सबसे आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा वही हमारा बफर सॉल्यूशन है। तो समझ गए होगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि बफर सॉल्यूशन है या फिर प्रतिरोधक बिलियन है, तो ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इस साल जो एग्जाम हुए हैं वहाँ पे आ चुका। तो सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्लस, ये तो बीक एसिड है ना, तो ये अम्लीय है, यानी कि ये अम्लीय बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक होता है हमारे पास एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन, यानी कि बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, बीक एसिड प्लस, देखो ध्यान देना बेटे, ये जो मेरे पास सल्ट मैंने लिया है ना, ये बीक एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस से बना सल्ट होता है, बीक एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस से बना सल्ट प्लस बीक एसिड के मिक्सचर को हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, ऐसे आता है तुम्हारे पास बेसिक, तो उसमें क्या होता है बीक बेस होता है और बीक बेस प्लस स्ट्रोंग एसिड से मिलकर बने सल्ट का मिक्सचर होता है। अरे बफर सॉल्यूशन पढ़ो, बड़ा मजा आता पढ़ने में, बहुत इजी टॉपिक है यार, इसकी क्रिया विधि बहुत इजी होती है, पर समझ समझ के पढ़ना जब भी पढ़ो आप, ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर पढ़ा और हमारा काम हो गया, खाली बस एक दो लाइन याद करें और लिखेंगे।
चलिए साहब, निम्न में से प्रतिरोधक विलयन है, तो सी एस थ्री सी डबल ओ एच प्लस सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए, ओके जस्ट ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बफर सॉल्यूशन के दो क्वेश्चन हो गए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का फंसने वाला, रट लेना समझ लेना चीज को। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आएगा थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। एच एच ई का नाम सुना होगा हमने, सी हाइड्रोजन यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एच टू का प्रेशर कितना होता है, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होता है, ऑप्शन दूंगा बताना है आपको। एस एच ई सी का मतलब समझ दो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ठीक है, एच टू का किसका बेटे, एच टू का, हाँ एच टू का प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब दाब होता है, दाब होता है। चलिए साहब, इसका पहला ऑप्शन मैंने दिया है आपको ए नंबर, इसका पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया है ए नंबर, वो मैं दूंगा जीरो होता है, बी नंबर 1 ATM होता है, 1 एटमोस्फियर होता है, सी नंबर 7 एटमोस्फियर होता है, ठीक है, और इसका डी नंबर है मेरे दोस्त, डी नंबर है इसका मेरे पास, इसका डी नंबर है 14 एटमोस्फियर होता है। जल्दी बताओ बेटा राइट आंसर कौन सा होगा इसका, एक बार सोच लो, दिमाग लगा लो राइट आंसर कौन सा। तो भैया जितने भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं सबका जो प्रेशर होता है ना एस टू का, वो कितना होता है मेरे पास, 1 ATM होता है, 1 एटमोस्फियर होता है। क्वेश्चन इजी है, है इजी, डिफिकल्ट है पर लग इजी रहे, क्योंकि मैं कुछ समझा कर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, समझ गए चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन की मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन नंबर सेवन पेचीदा है, ठीक है, लाइन पर ध्यान देना है। देखिए जरा, pH बराबर 5.4, pH बराबर 5.4 जलीय विलयन का, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H प्लस आयन की, H प्लस आयन की सांद्रता है, H प्लस आयन की सांद्रता है, ऑप्शन दूंगा मैं करने के लिए, बेटा ये याद ही करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही मोस्ट है, आ चुका है पेपर में ये, इसलिए इसको करवा रहा हूँ मैं, 10^-8, ठीक है, मोल प्रति लीटर में आएगी ये, और बी नंबर है मेरे पास 3.82 10^-6 मोल प्रति लीटर, और सी नंबर जो है मेरे पास वो है 2.01 10^-10 मोल प्रति लीटर, और जो मेरे पास डी नंबर है मेरे दोस्त वो है 3.98 10^-6 मोल प्रति लीटर। जल्दी बताओ बेटा राइट आंसर कौन सा होगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सही संबंध होता है पीएच बराबर माइनस के लॉग होता है मेरे पास एच प्लस होता है, और यहाँ लॉग टेन होता है, ध्यान देना बेटा ई नहीं होता। अब हमें पीएच का मान दे रखा है 5.4 दे रखा है, इस माइनस को भी उठा के इधर को लिया हुआ आप, तो यह जगह मेरे पास लॉग एच प्लस, ठीक है। अब जब मैं इस लॉग को इधर लिखा हुआ तो ये पहुँचेगा एंटी लॉग में, यानी कि पहुँचेगा ये एंटी लघुगणक में, एंटी, ठीक है, एंटी लॉग में पहुँचेगा, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास एंटी लॉग 5.4। जब इसका मान निकालोगे ना आप एंटी लॉग का, तो इसका मान आएगा 3.98 और मल्टीपल 10^-6 मोल प्रति लीटर। इधर राइट आंसर मेरे पास कौन सा होगा, डी नंबर होगा, ठीक है, लेकिन ये तुम्हें याद ही करके ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, आप इतने का मान कैसे निकालोगे, ये हिसाब है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछ लिया उसने, घबराया नहीं, वो पूछ लिया उसने, डरा नहीं बिल्कुल भी भैया, वो पूछ के माना बेचारा। चलो साहब आगे देखते हैं, तो उसका राइट आंसर मेरे पास डी नंबर है, आप भी सिर पे डी पे लगाओ। क्वेश्चन नंबर आठ की मैं बात करता हूँ, आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि अगर मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव कितना होता है, या मानक इलेक्ट्रोड क्षमता कितनी होती है। पिछले लेक्चर में यानी कि यूनिट थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया था, लेकिन आज फिर एक बार बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं सी एस एच ई सी का, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, और मेरे ख्याल से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, मेरे ख्याल से इस चीज़ को आपको पता चल गया होगा, इलेक्ट्रोड होता है, यार यहाँ ही लिखता हूँ, जगह है नहीं इतनी, इलेक्ट्रोड होता है। तो इसका ए नंबर जो है ना मेरे दोस्त, वो होता है, वो ए नंबर है मेरे पास माइनस के 2.300 वोल्ट। बी नंबर जो है मेरे पास वो दे रखा है मुझे 0.300 वोल्ट, और जो मेरे पास सी नंबर है इसका वो है 0.000 वोल्ट, और इसका जो डी नंबर है वो है मेरे पास माइनस के 0.7600 वोल्ट। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन का जो प्रेशर होता है वो 1 एटमोस्फियर होता है, लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। तो पहला तो ये गलत लिखा गया, यहाँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं होता बेटे, यहाँ आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है कितना होता है मेरे पास 0.00 यानी कि 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है, इसके ऊपर जितनी भी धातुएं आती हैं सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव निगेटिव होते हैं, इसके नीचे जितनी धातुएं आती हैं सबके मानक हाइड्रोजन यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव मेरे पास कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसके ऊपर जितनी धातुएं होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब जो होती हैं हाईली रिएक्टिव होती हैं और इसके नीचे जितनी धातुएं होती हैं सब वो कैसी होती हैं लेस निगेटिव यानी कि लो रिएक्टिव होती है। चलिए साहब आगे देखते हैं, तो समझ गए होगे इस चीज़ को। ठीक है, चलो साहब इसको मैं इरेज कर दूं, चलो यहाँ तक का स्क्रीन सुन लो उसके बाद इसको इरेज करता हूँ। तो होगा यहाँ तक 8 क्वेश्चन। चलिए साहब अब नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सारे के सारे इजी हैं, एक बार इन क्वेश्चन को अपने दिमाग में फांस लो, पढ़ लो, समझ लो और पेपर में क्वेश्चन आए तो टिक लगाना, इन्हीं क्वेश्चन पर आप विशेष तौर पर ध्यान देना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ो तो पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चन पे विशेष तौर पे ध्यान देना, यही वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले हैं आपके। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 9 में करवा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा स्पेशल है, Ag अपॉन Ag प्लस दर्शाता है, क्या दर्शाता है। अरे भैया सर मुझे ना पता क्या दर्शाता है, ये मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ ना पता है भाई, क्या ये पूर्ण सेल शो करता है, इसका भी मुझे नहीं पता है भाई, पूर्ण सेल शो करता है, बी नंबर अर्ध सेल शो करता है, अरे ये लग रहा थोड़ा थोड़ा अर्ध सेल, अच्छा सी नंबर, ए तथा बी दोनों, क्या ये ए तथा बी दोनों शो करता है, अच्छा डी नंबर देख लो जरा, इनमें से कोई नहीं, आ जाएगा, आ तो जाएगा यार, कोई नहीं, जबरदस्ती आ गया, देखो आ गया, अच्छा क्या लग रहा है तो बताओ जरा बेटे, Ag अपॉन Ag प्लस दर्शाता है, क्या शो करता है, तो बेटा ये हमेशा अर्ध सेल को शो करता है, ये अर्ध सेल है और वो भी कौन सा है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल है ये, क्योंकि इस समय जो क्रिया हो रही है वो एनोड पर हो रही है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जो कि ये कर रहा है, Ag चेंज टू Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, ठीक है, और ये क्या हमारा अर्ध सेल होता है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 9 का हमें आंसर मिल गया, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन पे ध्यान देना है कि जल के व्योजन स्थिरांक और आयनिक गुणनफल में सही संबंध है। ठीक है यार, पढ़ा तो होगा आपने जल के कौन सा बेटे, जल के व्योजन स्थिरांक, ओके सर जल के व्योजन स्थिरांक, अरे वाह भाई वाह, जल का व्योजन स्थिरांक भी होता है, हमें ना पता सर जल का व्योजन स्थिरांक होता है, जल के व्योजन स्थिरांक तथा आयनिक गुणनफल में, कौन से गुणनफल में बेटे, आयनिक गुणनफल में, ठीक है सर आयनिक गुणनफल में, ठीक है संबंध होता है, जल्दी बताओ बेटे संबंध होता है, कौन सा संबंध होता है, अच्छा कौन सा भी होता है, तो ए नंबर में इसका ले रहा हूँ PKW, चलो मैंने ले लिया बराबर K मान लिया, चलो मैंने ठीक है, बी नंबर ले लिया मैंने P यानी के KW बराबर 55.6 और गुणा K, ठीक है अब इसी का मैं उल्टा कर देता हूँ, के बराबर 55.6 गुणा के डब्लू, ठीक है डी नंबर कर दे रहा हूँ मैं, 55.6 बराबर के अपॉन 55.6, ठीक है ए यहाँ पे चेंज कर दो, के डब्लू बराबर ठीक है माइनस के आरटी लॉग के, जल्दी बताओ बेटे इसमें से कौन सा राइट आंसर है, एक आंसर राइट है पर चारों के चारों आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन अभी बताना है कि भैया एक क्वेश्चन कोई राइट है और वो क्वेश्चन कौन सा राइट है ढूंढो जरा, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर, आपको बताना है जल्दी बताओ, तो बेटा ये वाला आंसर राइट है, ये क्या होता है KW वो होता है आयनिक गुणनफल और जो के होता है वो होता है मेरा व्योजन स्थिरांक, तो KW बराबर हो गया 55.6 गुणा के, ठीक है चलिए साहब आगे मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे 11 आ जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 11 पे विशेष तौर पर हमें ध्यान देना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोड़ना बिल्कुल नहीं है इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान देना बेटे, ऑक्सीकरण अर्धसेल है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अर्धसेल है ठीक है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है यार ये वाले, ऑक्सीकरण अर्धसेल है, जल्दी बताओ बेटे कौन सा होगा, ऑक्सीकरण अर्धसेल कौन सा होगा, क्या ये वाला है ए नंबर मैं ले रहा हूँ इसका M+/M, बी नंबर M/M-N, ठीक है सी नंबर में ले रहा हूँ M/M+ और डी नंबर ले रहा हूँ मैं M-KN/M, जल्दी बताओ बेटे इसका कौन सा राइट आंसर है, इसका क्या लग रहा है आपको, ए भैया क्या लग रहा है आपको, जल्दी से बता दो, मुझे नहीं पता है, जल्दी बताओ, सोच लो एक बार, है ना पता,
देखो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑक्सीकरण, पहले तो ढूंढो ऑक्सीकरण हो क्या रहा, कहाँ हो रहा, यहाँ हो रहा ऑक्सीकरण, यहाँ हो रहा है या यहाँ, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीकरण हो रहा है, एम चेंज टू एम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल दिया होगा, ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा इस समय, सी नंबर है। बस इतने से क्वेश्चन में आप लोग दिमाग खराब कर रहे हो अपना कि यार ये इसका आंसर क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात है, सोच के तुरंत बता दोगे यार ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अनेट प्रक्रिया हमारे पास ये हो रही है। ठीक है चलिए साहब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 12, क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास, 12 है मेरे पास, यानी कि जल का आपको ध्यान देना बेटे, जल का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीएच मान होगा, पीएच मान होगा, जल्दी बताओ बेटे। तो पहला नंबर जो मेरे पास ऑप्शन मिला मुझे वो मिला 0, बी नंबर मेरे पास ऑप्शन मिला मुझे 7, और सी नंबर मिला मुझे यानी कि इज लेस देन टू 7, और डी नंबर मुझे मिला इज ग्रेटर देन टू 7, जल्दी बता बेटे। यानी कि जल का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीएच होगा, कितना पीएच होगा मुझे पता नहीं है भैया, ये आपको बताना है, मुझे पता नहीं है ये आपको बताना है कि जल का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीएच मान होगा, तो पता होना चाहिए जल क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है, लेकिन वो जानबूझ के आपको घुमा के देगा कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप दे दिया उसने, कि अरे यार अब तो क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो गया, हमें पता नहीं है लेकिन अपने क्वेश्चन पे अटल रहना है, वाटर के लिए पीएच का मान 7 ही होता है। ठीक है समझ में आया कुछ, चलिए साहब क्वेश्चन नंबर में 12 हो गए, 9 10 11 12, ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करने वाला हूँ, और क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल छोटा सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन होने वाला है मेरे दोस्त। अगर मैंने HCl लिया है ठीक है, तो HCl के 10^-8 m जलीय विलयन का पीएच मान होगा, जलीय विलयन का, ठीक है बेटा जलीय विलयन का पीएच मान होगा, पीएच मान होगा कितना होगा, पीएच मान होगा। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर आप विशेष तौर पर ध्यान देकर जाना। तो मेरे पास ए नंबर है इसका, ए नंबर है मेरे पास 7 होगा, बी नंबर मेरे पास इज लेस देन टू 7 होगा, और सी नंबर है मेरे पास ग्रेटर देन टू 7 होगा, और डी नंबर है मेरे पास 0 होगा। अब इनमें से एक राइट आंसर है, ढूंढो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि HCl के 10^-8 m KCl, यानी कि 8 m, HCl के 10^-8 m जलीय विलयन का पीएच मान होगा, कितना पीएच मान होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको उसका राइट आंसर, कौन सा इसका राइट आंसर लग रहा है आपको, देखो जरा दिमाग लगा के, HCl के 10^-8 m जलीय विलयन का पीएच मान होगा, तो ये सोल्व करना पड़ेगा, हम अपने पास से कुछ नहीं कर सकते। सोल्व करने का एक तरीका होता है मेरे दोस्त इसका, कि सबसे पहले इस HCl को आयनों में तोड़ दो, तोड़ दोगे तो बेटा ये लगभग लगभग बैठ जाएगा 1.01, यानी कि ये पता नहीं कितना बैठेगा, यानी कि 1.1 समथिंग में आ जाएगा, 10^-7 आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आता है, ये देखो मैं बताऊँ तुम्हें कैसा आता है यार, 10^-7 बन गुणा प्लस कितना मेरे पास 10^-8 है, ठीक है तो जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा 10^-7, तो यहाँ मेरे पास 1 रह जाएगा प्लस 10^-7 है, 10^ में लगाओ 10 से भाग करोगे 0.1, और 10^-7 मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है बाहर आ जाएगा, 10^-8 को ना मैंने 0.1 कर दिया, ठीक है दशमलव इधर का घात कम हो जाएगी हमारी, ठीक है 10^-7 कॉमन ले लिया मैंने, अभी हो गया तुम्हारे पास 2.2 × 10^-7 कितना, तुम्हारे पास 7 हो गया। ठीक है अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पीएच का मान निकाल दो, पीएच होगा, पीएच का मान निकाल दो भैया, पीएच का मान निकाल दो, अब माइनस के लोग फॉर्मा लगा दो अपना, पीएच वाला एच प्लस लगा दो, तो माइनस के लोग तो यह आ गया 2.2 × 10^-7, जल्दी करवा दे रहा हूँ फास्ट एकदम, तो लोग फॉर्मा लगा दो, लोग 2.2 प्लस अरे एम गुणा एन, एम प्लस एन तो माइनस के साथ, ये हो जाएगा माइनस के साथ, लोग टेन का मान 1 हो जाएगा, तो माइनस लोग 2.2 माइनस माइनस प्लस के साथ, तो बेटा इसका कुछ ना कुछ मान जरूर होगा, चाहे 0.3 0.30 आए, जितना भी मान आए, तो जब 7 में से घटाओगे तो क्या होगा हमारे पास, कम आ जाएगा, यानी कि 7 से कम होगा। ठीक है ये 7 से कम हो गया, देखो ये लेस देन यानी कि इज लेस देन टू 7, तो हमारा राइट आंसर कौन सा, 7 है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े करके याद लेना इसको ठीक से। चलिए साहब इसे मैं इरेज कर देता हूँ, कोई हमारे पास कोई काम नहीं है इस टाइम। अब एक क्वेश्चन और मैं देने वाला हूँ आपको, दिमाग लगा के बताना सर कि भाई किसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 14 है, और क्वेश्चन 14 है मेरे पास, क्वेश्चन 14 में कौन सा ले लूँ आप बता दो, कौन सा ले लूँ, चलो चलो क्वेश्चन 14 में ले रहा हूँ भैया, 10^-2, ठीक है 10^-2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर बिल्कुल सही बताना है आपको, का पीएच मान है, का पीएच मान है, का पीएच मान है,
ये तो आप खुद निकाल दोगे। अरे बड़ा इजी सवाल है, इससे जी कुछ नहीं, सबसे जी सवाल है ये वाला, ठीक है। ए नंबर मेरे पास जो होगा वो 7.01 होगा, बी नंबर मेरे पास होगा 12.3, और जो सी नंबर मेरे पास होगा वो भैया एग्जैक्ट होगा मेरे पास 11, और डी नंबर जो होगा वो होगा मेरे पास 3.04। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए मेरे दोस्त, जल्दी बता दो। 12.3 होगा, ठीक है, 12.3 इसका राइट आंसर होता है। दिमाग लगाना बड़े अगर आप, कैसा आया बता दूँ यार, बहुत टाइम लग जाएगा बताने में, बताऊँ मैं तो। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ना आप आयनों में तोड़ दो, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप आयनों में तोड़ दो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये कैल्शियम में मेरे पास 2+ आगा और OH पे मेरे पास माइनस आगा, ठीक है। 10^-2 है तो बेटे 2×10^-2 मेरे पास OH आयरन की सांद्रता हो जाएगी मेरे पास ये वाली, ठीक है। 2×10^-2 है तो 2×10^-2 हो जाएगी, यानी कि आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, ठीक है। 0.02 ये आ जाएगा मेरे पास, किसकी सांद्रता का, ये बेटा ये POH का मान आ गया मेरे पास, POH का मान आ गया, ठीक है। जब ये POH का मान आ गया तो साहब यहाँ से POH का मान से, अभी POH का मान आया नहीं है, POH का मान नहीं आया अभी, तो सिर्फ OH माइनस आयन की सांद्रता आई है, अभी तो सिर्फ OH माइनस आयन की सांद्रता आई है, तो यहाँ से हमें POH का मान निकालना पड़ेगा। तो माइनस के लॉग लगाना पड़ेगा, OH माइनस लगाना पड़ेगा, फिर इसका मान यहाँ रख के POH का मान लगाना पड़ेगा, फिर पी, अब जब यहाँ रख के जब मान निकालोगे ना इसका लॉग, लोग ऐसा करके ये OH माइनस का मान कितना मेरे पास 0.02, तो इसका मान आगा लगभग 1.166 समथिंग में इसका आंसर आता है, ठीक है। फिर जब घटाओगे ना, जब इसमें से जब 14 pH प्लस POH बराबर कितना होता है 14 होता है, जब 14 में से घटाओगे इस POH का मान, तो हमारा pH का मान फाइंड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 12.3 आ जाएगा। आप पढ़ के देखना, आ जाएगा इसका आंसर, निकाल लोगे बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, बहुत लंबा सवाल है, इसे भी कर दो इरेज, इसका कोई काम नहीं है। तो हमारा 12.3 इज द राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे पास 15 आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। क्या क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इजी होने वाला है, बताना है आपको। सूचक इंडिकेटर, सूचक इलेक्ट्रोड है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, सूचक इलेक्ट्रोड है। जल्दी से बता दो सर कौन सा राइट आंसर है, सूचक इलेक्ट्रोड है। पहला नंबर है मेरे पास, इसका ए नंबर है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, सर पता नहीं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता नहीं होता है। बी नंबर है मेरे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है सर, इसका ये पता नहीं, ये भी होता नहीं होता है। सी नंबर मेरे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है, और योर ये तो तहलका मचा रहा है सिल्वर इलेक्ट्रोड तो है भाई। और जब मेरे पास डी नंबर है मरकरी इलेक्ट्रोड है, अरे ये भी हो सकता है मरकरी इलेक्ट्रोड। जल्दी बताओ राइट आंसर कौन सा होगा। अब आधे बच्चों के दिमाग में फंस रहा होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बताओ आपके दिमाग में भी यही विचार आया नहीं आया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, बट जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर नहीं है। सूचक इंडिकेटर हमेशा कौन सा होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। इस चीज़ को भी बढ़िया करके दिमाग में फंसाओ, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है बेटा वही क्या होता है हमारा, वही क्या होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, वो क्या होता है मेरे पास सूचक इलेक्ट्रोड होता है। अब एक क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है वो है क्वीन हाइड्रोन का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड होता है ये बेटे, क्वीन हाइड्रोन, ठीक है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता, नहीं पूछा उसने, नहीं होता है, कहाँ नहीं होता। तो इसका जो ए नंबर है वो है भैया रेडोक्स अभिक्रिया के लिए, है भैया रेडोक्स अभिक्रिया के लिए, क्या इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, के लिए, ओके। बी नंबर है मेरे पास पीएच बराबर 4.0 से ऊपर है भैया, या भैया सी नंबर ले लो इसका पीएच बराबर 8.0 के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये वाला। और इसका डी नंबर जो है वो है मेरे पास, डी नंबर है मेरे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए, बताओ इसका यूज़ किसके लिए नहीं होता है। अब फंस गए आप, अब दिमाग फंस गया आपको यार, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं होता है, किसके लिए इसका यूज नहीं होता। तो एक ही राइट आंसर है पीएच बराबर 8.0, क्यों, अगर किसी बिलियन का पीएच मान 8 से ज़्यादा है तो आप इस इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का सी नंबर जो है मेरे पास, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सी नंबर है मेरे पास इज अ राइट आंसर है, बढ़िया करके समझ लो इस क्वेश्चन को ठीक से, ओके। चलिए सब आगे देखते हैं, तो यहां तक का स्क्रीन शॉट ले लो, क्वेश्चन 16 हो गया, 5 क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद लेक्चर फिनिश करते हैं। चलो साहब 16 क्वेश्चन हो गए, और देख लेते हैं 4-5 क्वेश्चन और खत्म करते हैं इस लेक्चर को। देखिए एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, जलीय बिलियन के लिए सही कथन है, आप दिमाग लगाना, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं,
चलो साहब 16 क्वेश्चन हो गए, तो 16 के 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ लेना बढ़िया करके। अब क्वेश्चन नंबर 70वां मेरे पास आता है, छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जलीय बिलियन के लिए, ठीक है, आप बताना खुद से देख के कि जलीय बिलियन के लिए, ओके सर, जलीय बिलियन के लिए सत्य है, सत्य है, क्या सत्य है वो हम देख लेते हैं। पहला नंबर मेरे पास पीएच जो है वो भैया पी ओ एच के बराबर होता है, बी नंबर है मेरे पास पी एच जो होता है वो पी ओ एस से छोटा होता है, और मेरे पास सी नंबर है क्या पी एच जो होता है वो पी ओ एस से बड़ा होता है, ठीक है, पी ओ एच से बड़ा होता है, और मेरे दोस्त डी नंबर है पी एच और प्लस पी ओ एच इन दोनों का योग कितना होता है, मेरे पास ए होता। बताओ जल्दी, जलीय बिलियन के लिए सत्य, कौन सा कथन जलीय बिलियन के लिए सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन है, पी एच बराबर पी ओ एच इज अ राइट आंसर इसका, ठीक है, लगाओ जरा ऑप्शन में कि पीएच और पीओएच दोनों बराबर होते हैं जलीय बिलियन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 एक और देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन है मेरे पास मुक्त ऊर्जा, लाइन पे फोर्स करना है ठीक से, मुक्त ऊर्जा तथा तथा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में संबंध होता है, में संबंध है, जल्दी बताओ बेटे कौन सा संबंध है इसका। मैं ए नंबर दे रहा हूं, डेल्टा जी बराबर माइनस के एन एफ ई ए जीरो सेल, ठीक है, सेल नहीं लगाया मैंने। सेकंड इसका जो बी नंबर है मेरे पास वो है बेटे डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ, ठीक है, ए जीरो, ओके ओके। और मेरे पास इसका सी नंबर है डेल्टा यानी कि ई जीरो बराबर डेल्टा जी अपॉन आर टी, और मेरे पास का डी नंबर लूंगा बेटे डेल्टा जी बराबर मैंने लिया है आर टी लोग टेन के। जल्दी बताओ बेटे इसका राइट आंसर कौन सा, सोचो सोचो जल्दी से, पांच बताओ। डेल्टा जी बराबर माइनस के एन एफ ई जीरो सेल, जहाँ एम क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ क्या है फेरेड, और ई जीरो क्या है सेल का, ठीक है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम बोलते हैं सेल विभव। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर मेरे पास कौन सा है, ये वाला। आप चाहो तो इस पर जीरो भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस के एफ ई जीरो सेल, सेल नहीं है, डेल्टा जी बराबर माइनस के एन एफ ए जीरो, ओके, कर लो गया सुखा पर। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर में ले रहा हूँ, कौन सा वाला, 19वां क्वेश्चन ले रहा हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया भैया, सबसे छोटा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, करवा दूँ फिर, करवा देते हैं। देखो जरा बेटा ये बताओ, एनोड पर क्या होता है, यानी कि एनोड की जगह ना मैं कैथोड पर लेता हूँ, ठीक है, कैथोड पर होता है, कैथोड पर होता है, अच्छा कैथोड पर क्या होता है, ए नंबर होता है ऑक्सीकरण, क्या कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है, सर पता नहीं, बी नंबर मेरे पास अपघटन होता है कैथोड पर, सर पता नहीं इसका भी, अच्छा ए बी सी, सी नंबर मेरे पास ऑक्सीकरण अपघटन, ए तथा बी दोनों होते हैं, ए तथा बी दोनों, और अगर मैं सी इसका डी नंबर लूँ तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ एक राइट आंसर है। अब आपके इनमें से कोई नहीं, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन फंस रहा होगा कि ऑक्सीकरण तो हमारा एनोड पर होता है, तो ऑक्सीकरण तो कैथोड पर होने वाला है नहीं, लेकिन जो ये हमें दिखाई दे रहा है ना बेचारा अपघटन, तो हो सकता है कि यही हो, लेकिन अपघटन कभी कैथोड पर होता नहीं, कैथोड पर क्या होता है अपचयन होता है, जब अपचयन होता है तो भैया इनमें से कोई नहीं है, तो उसका मतलब है हमारा राइट आंसर कौन सा, डी नंबर है। अब समझ में आया, अरे भैया अब भी समझ में नहीं आया, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाने वाला हूँ आपको, डरो मत घबराओ मत, ठीक है। चलिए साहब एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 में है, छोटा सा क्वेश्चन है ये, ई जेड एन ओब्लिक जेड एन टू प्लस, नहीं बेटा इसको जेड एन को मैं ऊपर लिखूंगा, अरे बात तो वही पड़ गई, टू प्लस और जेड एन का इलेक्ट्रोड विभव है, का मानक अपचयन 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 विभव है, ए नंबर 0.44 वोल्ट माइनस के, बी नंबर 0. माइनस के 676 वोल्ट, और सी नंबर 0.00 वोल्ट, और डी नंबर माइनस के 3.04 वोल्ट, जल्दी बताओ राइट आंसर कौन सा उसका। तो भैया जिंक का जो मानक अपचयन विभव आता है ऑलवेज, या मानक के इलेक्ट्रोड विभव आता है वो हमेशा आता है 0.76 वोल्ट। मजा आ रहा ना, क्वेश्चन इजी है ना बिल्कुल, अरे सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। नंबर मेरे पास 21वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21वां, ऑक्सीकरण होता है, जल्दी बताओ ऑक्सीकरण होता है, अच्छा ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ऑक्सीकरण होता है, चलिए साहब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, ए नंबर कैथोड पर होता है, ठीक है ठीक है, इसका बी नंबर एनोड पर होता है, चलिए साहब ये भी देख लेते हैं, इसका सी नंबर, ठीक है, दोनों पर, यानी कि ए और बी दोनों, ए तथा बी दोनों,
और बेटे ये तभी दोनों, और जो मेरे पास डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, एक राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, एक राइट आंसर है, ढूंढो कौन सा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताओ बेटे, तो जो ऑक्सीकरण होता है हमेशा कहाँ होता है, एनोड पर होता है, और अपचयन जो होता है वो हमेशा कैथोड पर होता है, इस चीज को याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 22 में आ गया मेरे पास, छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, आराम से कवर कर लोगे, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा। प्रबलतम अपचायक है, सबसे प्रबल अपचायक है, सबसे प्रबल अपचायक है, ओके ओके, सबसे प्रबल अपचायक है, बताओ जल्दी बेटे, सबसे प्रबल अपचायक है, सबसे प्रबल अपचायक है, एक बार सोच लो, दिमाग लगा लो, मैं क्वेश्चन दूंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, आपको बताना होगा कि सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होगा। अरे सर सबसे प्रबल अपचायक और क्या, कॉपर 2+, पता नहीं भैया, डी, और यार ये तो सी नंबर है, डी नंबर, डी नंबर मेरे पास आ गया, प्लेटिनम 2+। जल्दी बताओ इधर राइट आंसर ढूंढो बेटे, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होगा, सोचो कि सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होगा, बताओ दिमाग लगाओ। अरे ना पता, अबे मानक जो आपने पढ़ी है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबसे ऊपर कौन बैठा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिथियम होता है, लिथियम, लिथियम का मानक अपचयन विभव मानक से 3.04 वोल्ट होता है, और जिसका मानक अपचयन विभव निगेटिव, जितना ज़्यादा निगेटिव होगा ना वो उतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा। तो प्रबल अपचायक, अपचायक मतलब जो जिनका ऑक्सीकरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, वही तो हमारे अपचायक होते हैं, तो सभी धातुएं अपचायक होती हैं, लेकिन सबसे प्रबल अपचायक कौन सी होती है, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी, वो होती है लिथियम प्लस। लिथियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल एटम, ठीक है ध्यान देना। तो लिथियम क्या है, एक लिथियम प्लस आयन, एक हाईली रिएक्टिव मेटल एटम होता है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक प्रबल अपचायक कौन सा, लिथियम प्लस है, याद कर लो ठीक से। क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे पास आ गया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ब्राइन, ब्राइन बिलियन का, ब्राइन बिलियन के जल अपघटन पर, ब्राइन बिलियन के जल अपघटन पर, ब्राइन, ब्राइन बिलियन के जल अपघटन पर, ठीक है, प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, क्या प्राप्त नहीं होता है, तो उसका ए नंबर में दे रहा हूं NaOH, क्या NaOH प्राप्त नहीं होता है, बी नंबर Cl2, क्या Cl2 प्राप्त नहीं होता है, और सी नंबर में दे रहा हूं इसका H2, क्या H2 प्राप्त नहीं होता है, और डी नंबर दे रहा हूं मैं O2। तो जब भी आप ब्राइन बिलियन का जल अपघटन करोगे तो आपको चारों में से एक चीज नहीं मिलेगी, बाकी 3 चीजें आपको मिलेंगी, और वो क्या है मेरे पास, O2। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो O2 क्या है मेरे पास, एक ऐसा, एक ऑक्सीजन गैस, एक ऐसी गैस है जो ब्राइन बिलियन का जब आप जल अपघटन करवाओगे तो आपको प्राप्त नहीं होने वाली है। इजी क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 मेरे पास आ गया है, एकल इलेक्ट्रोड कहलाता है, एकल इलेक्ट्रोड कहलाता है, ओके ओके सर, एकल इलेक्ट्रोड कहलाता है, अच्छा एकल इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, ए नंबर में इसका दे रहा हूं, ध्यान देना बेटे, एकल इलेक्ट्रोड कहलाता है, पूर्ण सेल कहलाता है, ए भैया पूर्ण सेल कहलाता है, बी नंबर अर्ध सेल कहलाता है, ए भाई अर्ध सेल कहलाता है, सी नंबर मेरे पास ए और बी दोनों, ए तथा बी दोनों, और भैया डी नंबर मैं ले रहा हूँ कोई नहीं, कोई नहीं, जल्दी बताओ राइट आंसर कौन सा होगा मेरे पास इसका। तो बेटा अर्ध सेल कहलाता है, एकल इलेक्ट्रोड कहलाता है अर्ध सेल। पर एक क्वेश्चन और बचा छोटा सा, और क्वेश्चन नंबर 25 में मैं लिखवा दे रहा हूँ, 25 में मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है, ठीक है बफर सॉल्यूशन है, इसका ए नंबर दे रहा हूँ मैं करने के लिए तुम्हें, NH4OH, NH4OH प्लस NH4Cl, NH4Cl, बी नंबर दे रहा हूँ मैं NH4OH प्लस HCl, ठीक है। चलो यार ऑप्शन बचे नहीं है, ऑप्शन इतने बचे नहीं है, और नीचे आगा भी नहीं, ठीक है, तो मैं इसका राइट आंसर लगा दे रहा हूँ बिना ऑप्शन के, दो ऑप्शन मैंने दिए नहीं है, ए पहला आंसर है, ठीक है। ये कौन सा है, ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है, देखो ये मेरे पास वीक बेस है, और ये मेरे पास क्या है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सल्ट है, और इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं, वो भी कौन सा, बेसिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो तो राइट आंसर है वो कौन सा है बेटे, ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं है, इसमें इसमें वीक बेस तो है लेकिन प्रबल क्या है मेरे पास, प्रबल एसिड है, तो ये नहीं है, ये सल्ट नहीं है, एसिड है ये, और क्या चाहिए होता है हमें, सल्ट चाहिए होता है, वो भी किसका, वीक बेस प्लस वीक बेस, वीक बेस तथा वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सल्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए साहब यहाँ तक मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और भैया और ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहो तो भैया थ्योरी पढ़ लो, और थ्योरी पढ़ने के बाद MCQ सारे के सारे आप बिल्कुल सही आंसर दोगे, क्योंकि थ्योरी से ही सारे MCQ निकले हुए हैं, मैंने देख लिए जितने भी MCQ हैं पर चैप्टर बाई चैप्टर, ठीक है। चलिए साहब ऐसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक्स।